What are fibrates? Fibrates are the non-cancerous growth that develop in and around the uterus during the child bearing years of mother's life. That is between 30 to 50 is most common. Okay, तो फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं ड्यूरिंग द चाइल्ड बियरिंग ईयर्स ऑफ द मदर्स लाइफ की जो चाइल्ड बियरिंग ईयर्स होते हैं से फॉर एग्जांपल 22 चाइल्ड बियरिंग ईयर्स आर 20 फ्रॉम 20 टू अप टू 50 सो एनी फ्रॉम एनी टाइम द फ्रॉम द 20 टू 50 मदर कैन कंसीव बट ड्यूरिंग दिस 30 टू 50 फाइब्रॉइड्स आर मोस्ट कॉमनली सीन. ठीक है, तो इसलिए हमने बोला ड्यूरिंग द चाइल्ड बियरिंग ईयर्स ऑफ मदर्स लाइफ मोस्ट कॉमनली फ्रॉम 30 टू 50 एंड दिस नॉन कैंसरस ग्रोथ इज इट इज यूजुअली सो मेड अप ऑफ muscle and fiber tissue vary in size from P to mln. Okay, and are also known as myomas. ठीक है, तो ये जो नॉन कैंसरस ग्रोथ है इट इज मेड अप ऑफ मसल एंड फाइबर टिश्यू एंड दे वेरी इन साइज फ्रॉम एज स्मॉल एज ए पी के एक मटर दाने जितना होता है या एक खरबूज जितना भी हो सकता है. ठीक है, तो एंड ऑल्सो दे आर ऑल्सो नोन एज मायोमास या इनको हम मायोमास भी बोलते हैं. ओके, next we will move to the what causes fibroids and who are at the risk of having fibroids. Causes genetic mein hum dekhenge the muscles of the uterus containing fibroids have changes in the genes than from normal uterine muscle. ठीक है, तो जो देखा गया है कि जो कि फाइब्रॉइड यूट्रस होता है उसमें जो जेनेटिक्स होता है वो डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू द नॉर्मल यूट्रस. ठीक है, जो नॉर्मल यूट्रस की मसल होती है उसकी जेनेटिक्स डिफरेंट है और जेनेटिक चेंजेस इन द यूट्रस मसल विद द फाइब्रॉइड इज आल्सो इज डिफरेंट. ओके, सो जेनेटिक्स इज वन फैक्टर, अदर फैक्टर इज हार्मोनल फैक्टर. हार्मोन में जैसे हम यूट्रस लाइनिंग्स आर ऑफ द यूट्रस लाइनिंग्स इज स्टिम्युलेटेड बाय एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. सो सेम इज द फैक्टर इन केस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द फाइब्रॉइड्स. सो हाई लेवल्स ऑफ estrogen and progesterone stimulate the growth of the fibroids. इसका एविडेंस कहां से है? बिकॉज आफ्टर द मेनोपॉज when द मेनोपॉज हैज ऑकर्ड इन द वुमेन सो फाइब्रॉइड्स टेंड टू श्रिंक. ठीक है, एंड ऑल्सो इन दोज वुमेन जो कि प्रेग्नेंट जो कि which who are having a child. More children you have, decrease less chances of you have of less chances are there that a woman will have fibroids. Okay, a woman will develop fibroids. So jitne children woman degi utna fibroid ke chances kam hote hain. So that means that also that support is this
स्टेटमेंट कि जितनी हाई लो लेवल्स ऑफ द एस्ट्रोजन होगी उतने कम चांसेस है फाइब्रॉइड डेवलप करने के लिए. इसी तरह से जितना हाई होगा उतना ज्यादा हाई चांसेस है फाइब्रॉइड डेवलप करने के लिए. एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों भी डेवलप फाइब्रॉइड्स होने के चांसेस ज्यादा है. एंड इन ऑल्सो इन केस ऑफ द प्रेगनेंसी इट हैज बीन सीन देयर इज डेवलपमेंट ऑफ द फाइब्रॉइड इन द प्रेगनेंसी. ओके कुछ प्रेगनेंसीज में फाइब्रॉइड्स डेवलप होते हैं. इफ वी टॉक अबाउट कि फाइब्रॉइड्स कितने कॉमन होते हैं, फाइब्रॉइड्स आर यूजुअली वन वुमन विल हैव फाइब्रॉइड्स इन सम ड्यूरिंग द सम पीरियड ऑफ देयर लाइफ. सो यूजुअली दे आर एसिम्प्टोमेटिक, सो दैट डजंट मीन कि उनमें सिम्टम्स नहीं आते हैं. सो देयर इज देयर डज नॉट fibroids do not exist. They exist in one in three studies have shown that one in three women develop fibroids at some part of the in some part of their life. During any age they will develop, between most commonly between 30 to 50 they will develop fibroids. Usually asymptomatic hote hain. So jo most common risk factor hai, that is high level of the estrogen and progesterone. Okay, so that is associated with the development of the fibroids. Now we look at the symptoms. Usually I said it is asymptomatic, but again one in three women experience the symptoms also. So जिनको fibroids तीन women को होगा उनमें एक woman को क्या आएंगे, symptoms आएंगे. These symptoms include painful abdomen, or we can simply write pain in the abdomen. Next is heavy periods or painful periods. ठीक है, इसी तरह से lower back pain. Next, a frequent need to urinate. Painful intercourse. These are some of the symptoms associated with the fibroids. Patient is one more symptom. Okay, so these are some of the, we have painful abdomen, heavy periods are painful periods, we have constipation, we have lower back pain, we have frequent need to urinate, and we also have painful intercourse. These are some of the symptoms of the fibroid. We have types of fibroid. First one is most common one also. Intramural fibroid. Most common type develops within the muscle walls of the womb. ठीक है, जो muscle walls होते हैं उनमें एक fibroid, इनमें एक non cancerous growth develop होता है. तो जो तब उसको क्या बोलते हैं, इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड बोलते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज सब सीरल फाइब्रॉइड डेवलप आउटसाइड वोम इनटू लार्ज. ठीक है, तो ये सब सीरियल कहां डेवलप होता है, इट डेवलप्स आउटसाइड द वॉल ऑफ द वोम वेयर इनटू द पेल्विस. ओके, एंड दिस लाइक हमने बोला कि साइज कैन वेरी फ्रॉम पी टू मेलन. सो सब सीरियल विच विल यूजली विल बी लार्ज इन साइज. ओके, सो नेक्स्ट वन इज सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड डेवलप्स beneath the wall into the develops beneath the womb's inner lining, grows into the cavity of womb. तो ये वाला क्या होता है,
जो इनर लाइनिंग होती है वूम की, उसमें डेवलप होता है और उसके बाद ग्रो किस में होता है, वूम में ग्रो होता है. दिस ऑल्सो कैन ग्रो लार्ज इन साइज. सो दीज आर द मोस्ट थ्री कॉमन टाइप्स ऑफ द फाइब्रॉइडस. ओके, अदर देन दैट देयर इज ऑल्सो वन मोर विच इज नॉट वेरी कॉमनली सीन, दैट इज एंडो न्यूक्लिएटेड फाइब्रॉइडस. These are not very common, okay? So one other type of the fibroids is pendonucleated fibroids, which is very uncommon, okay? So हमने देखा कि types of fibroids intramural था, subserial था और sub mucosal fibroids था और pendonucleated fibroids था, okay? So diagnosis is we have ultrasound. Hysteroscope is when there is a scope inserted into the womb through the vagina. So that is hysteroscope, and also we have laparoscopy. During the laparoscopy also we can visualize if there is any fibroid is present. Okay, so this is all regarding the fibroid. अगर आपको अभी मॉर्फोलॉजी लिखना है, मॉर्फोलॉजी में हमने इनिशियली बोला, जब हमने बोला the it is non-cancerous tissue, no there. So there is an abnormal growth of the non-cancerous cells, which are usually made up of muscle and fiber tissue, and the thickness will vary from size of a pea to the size of a melon. Okay, so that will be the now morphology of the fibroids. So this is all about fibroids. Thank you.